भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति को पुनः मुख्य धारा से जोड़ने के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की संकल्पना का साकार स्वरूप है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जो आधुनिक परिस्थिति में आयुर्वेद पद्धति की चिकित्सा अनुसंधान और उच्च शिक्षा को गति प्रदान कर रहा है। संस्थान के चिकित्सालय में प्रतिदिन 1000 से अधिक अस्वस्थ व्यक्ति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सुविधाजनक उपचार प्रक्रिया के तहत टोकन पद्धति से प्रत्येक रोगी को UHID प्रदान किया जाता है। NAPH द्वारा प्रमाणित इस प्रथम आयुर्वेदिक चिकित्सालय में सुचारू रूप से चलाई जा रही 12 सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। चिकित्सालय परिसर का सहज वातावरण तथा चिकित्सकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार उपचार के लिए आए व्यक्ति की पीड़ा भुला देता है। पंचकर्म विभाग में पक्षघात, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस व न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की उत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही यहां पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए भी काफी उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। व्याधियों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधाएं व वरीयता दी जाती है। संस्थान में आधुनिक उपकरणों से युक्त पैथोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब तथा एक्सरे, ECG, MRI, सिटी स्कैन एवं USG की सुविधाएं रेडियोलॉजी डिवीजन में उपलब्ध हैं। चिकित्सालय में GMP सर्टिफाइड गवर्नमेंट फार्मेसी द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक औषधियां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। संस्थान में 200 बेड क्षमता का IPD है। परिसर का द्वितीय खंड अत्याधुनिक अनुसंधान की सुविधाओं से युक्त शैक्षणिक एवं अनुसंधान खंड है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यहाँ 13 विशिष्ट धाराओं में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हेतु प्रवेश दिया जाता है। 7 मंजिलों के शैक्षणिक खंड में डिजिटल लाइब्रेरी एवं RFID की सुविधा के साथ 14 स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लैब्स एवं क्वालिटी कंट्रोल लैब्स द्वारा आयुर्वेदिक अनुसंधान को नए आयाम दिए जा रहे हैं। उच्च स्तरीय अनुसंधान में सहयोग हेतु कई सम्मानित संस्थानों के साथ MOU किए गए हैं। प्राध्यापकों की अगुवाई में शिक्षा और शोध के क्षेत्र में इनोवेशंस के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। AIIA जर्नल ऑफ आयुर्वेद केस रिपोर्ट्स एवं विभिन्न अन्य प्रकाशनों के माध्यम से स्वस्थ जीवन के प्रति जानकारी बढ़ाने में योगदान दे रहा है। और